नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें भारत ने अपना दबदबा कायम रखा हुआ है और अपने दबदबे को और मजबूत कर लिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरीके से एक शानदार जीत हासिल की है भारत ने वाइजैक टेस्ट में, विशाखापट्टनम टेस्ट ने, उसने भारत की नंबर वन पोजिशन को और मजबूत कर दिया है और भारत मजबूती से अब 160 पॉइंट्स के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट्स टैली है, पॉइंट्स टेबल है, उसमें नंबर वन पर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी पॉइंट्स टैली, जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि कौन सी टीम किस नंबर पे है, उसमें नेट रन रेट के आधार पर भी भारत की टीम नंबर वन बनी हुई है। अकेली ऐसी टीम है जिसका 2+ नेट रन रेट है भारत का। अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच खेला गया था जिसमें भारत ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की, 203 रन से वो मैच जीता था और इस मैच जीतने के साथ ही जो 3 टेस्ट मैच खेले जाने इस सीरीज में, उसमें पहले मैच का जो वेटेज था 40 पॉइंट्स था, वो 40 के 40 पॉइंट्स भारत के फेवर में आए हैं और इस तरीके से भारत के अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 160 अंक हो गए हैं। 203 रनों से हराया था साउथ अफ्रीका को और अभी तक अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है भारत ने। मैं पॉइंट्स टैली पर आता हूं, आपको बताऊंगा कि पॉइंट्स टैली में कौन सी टीम कौन से नंबर पर है। ये तो आप जान ही चुके हैं कि भारत तो नंबर वन पर है ही, लेकिन ये नंबर वन पर क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि भारत ने अभी तक जो टेस्ट चैंपियनशिप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें 3 मैच खेले हैं और तीनों ही मैच भारत ने जीते हैं। 2 मैच वेस्टइंडीज के अगेंस्ट जीते थे, वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज में हराया था भारत की टीम ने, और अभी ये पहला मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हिंदुस्तान में खेला गया है, इसको भी एक बड़े अंतर से जीता है भारत ने, 203 रन से, और यही वजह है कि पॉइंट टैली में टीम इंडिया नंबर वन पर है। अब मैं आपको फिगर्स फटाफट बता देता हूं कि कौन कौन सी टीम कौन से नंबर पर है। इंडियन टीम नंबर वन पर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल पॉइंट 160 हैं और जिस नेट रन रेट की मैं बात कर रहा था, वो नेट रन रेट भारत का है 2.303। इस पॉइंट टैली में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसका 2+ का नेट रन रेट रहा हो, एक भी मैच हारा नहीं है, एक सीरीज खेली है वेस्टइंडीज के अगेंस्ट जिसमें 2 मैच जीते, उसके अलावा 1 मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला है, 3 खेले, तीनों जीते, बेदाग रिकॉर्ड और बेदाग तरीके से नंबर वन पर है टीम इंडिया। नंबर टू पर हम आते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम नंबर टू पर है, लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि न्यूजीलैंड टीम नंबर दो पर जरूर है, लेकिन अगर हम पॉइंट्स के लिहाज से कंसीडर करें तो भारत से 100 पॉइंट्स पीछे है न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सिर्फ 60 अंक हैं। हालांकि अगर उसके नेट रन रेट की मैं बात करूं तो 1.401 है न्यूजीलैंड का नेट रन रेट, और एक सीरीज खेली है, 2 मैचेस खेले हैं जिसमें से 1 जीता है न्यूजीलैंड की टीम ने, 1 मैच गंवाया है और पॉइंट्स टेबल में नंबर टू पर है, लेकिन पॉइंट्स का एक मेजर डिफरेंस है भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में। बात करता हूं मैं नंबर थ्री की, तो नंबर थ्री पर श्रीलंका की टीम बनी हुई है जिसने 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है, लेकिन चूंकि उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से कम है इसलिए श्रीलंका की टीम को नंबर थ्री पर रखा गया है। 0.714 है जो नेट रन रेट है श्रीलंका का, हालांकि पॉइंट्स सेम है, 60 पॉइंट्स न्यूजीलैंड के हैं, 60 पॉइंट्स श्रीलंका के भी हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर श्रीलंका की टीम को नंबर थ्री पर पोजीशन किया गया है इट्स पॉइंट्स टैली में। अब आते हैं नंबर चार पर, ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर चार पर है और 56 पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, कुल 56 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर चार पर है। एशेज सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया ने, 5 मैच खेले गए थे, उन 5 मैचों में 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 2 इंग्लैंड ने जीते थे, यानी कि 2 मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई थी और 1 मैच ड्रॉ रहा था। और जो नेट रन रेट है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का अच्छा है क्योंकि अच्छे रन स्कोर भी किए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, 1.158 है नेट रन रेट, लेकिन चूंकि पॉइंट्स कम हैं, 56 पॉइंट्स हैं, इसीलिए पॉइंट्स टैली में नंबर चार पर आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। फिर मैं आता हूं इंग्लैंड पर, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही ये सीरीज खेली गई थी, ये एशेज सीरीज जो है, 5 मैच इंग्लैंड ने इसमें खेले थे जिसमें से 2 जीते, 2 हारे, 1 ड्रॉ रहा, लेकिन नेट रन रेट कम है इंग्लैंड का, नेट रन रेट है 0.864। यहाँ पर भी पॉइंट्स के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो क्लैश है, 56 ऑस्ट्रेलिया का था, 56 ही जो पॉइंट्स हैं वो इंग्लैंड के हैं, लेकिन नेट रन रेट काफ़ी कम है ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए नंबर 5 पर पोजीशन मिली है इस पॉइंट्स टैली में इंग्लैंड की टीम को। इसके बाद साउथ अफ्रीका की पर हम आते हैं, तो साउथ अफ्रीका ने सीरीज तो अभी तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि सीरीज चल रही है भारत के खिलाफ, लेकिन पहला टेस्ट मैच हो चुका है, पहले टेस्ट मैच में ही साउथ अफ्रीका को हार मिली है, तो इसलिए 0 पॉइंट्स है साउथ अफ्रीका का, लेकिन अगर नेट रन रेट की बात करूं तो 0.415 है नेट रन रेट, लेकिन जो पॉइंट्स हैं, जो हर मैच के लिहाज से पॉइंट्स मिलते हैं, जैसा कि हर सीरीज़ को 120 पॉइंट असाइंड होते हैं, उसमें से एक भी अंक साउथ अफ्रीका की टीम को नहीं मिला है, क्योंकि 1 मैच खेली है, वही 1 मैच साउथ अफ्रीका को भारत के अगेंस्ट गंवाना पड़ा है।
वेस्ट इंडीज़ की मैं बात करूं, सातवें नंबर पर है वेस्ट इंडीज़ की टीम, एक सीरीज़ खेली है, दो मैच खेले हैं, लेकिन दोनों ही मैच हारी है वेस्ट इंडीज़ की टीम, इसलिए जीरो पॉइंट्स है वेस्ट इंडीज़ की टीम का। जो रन रेट है ज़रूर वो 0.411 है, लेकिन अभी तक 0.1 भी अर्जित नहीं कर पाई है वेस्ट इंडीज़ की टीम, इसलिए सातवें नंबर पर है। आठवें और नवें नंबर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है, और इसलिए इनको जो इनकी पुरानी जो परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर इनको आठवें और नवें नंबर पर पोजीशन किया गया है। तो कुल मिलाकर भारत की टीम ने अपने जो पोजीशन है उसको और ज़्यादा मजबूत कर लिया है। साउथ अफ्रीका के टेस्ट खेले जाने से पहले 120 अंक थे भारत के, क्योंकि दो मैच खेले गए थे उस सीरीज़ में और दोनों ही भारत की टीम ने जीते थे, तो 120 पॉइंट के आधार पर दो मैचों के 60 पॉइंट्स मिल गए थे भारत को 120 पॉइंट्स से। अब इस सीरीज़ का वेटेज 120 है और तीन मैच खेले जाने हैं, तो इस मैच का वेटेज 40 था तो प्लस 40 हुआ, इस वजह से 160 अंक हैं भारत के और टॉप पर इस वक्त भारत की टीम चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि नंबर मिलते किस तरीके से हैं। नंबर मिलने का तरीका ये होता है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, हर सीरीज़ को 120 पॉइंट असाइन होते हैं, यानी कि अगर दो मैच खेले जाएंगे किसी भी सीरीज़ में तो 60-60 बटेगा, तीन मैच खेले जाएंगे किसी भी सीरीज़ में तो 40-40 बढ़ जाएगा, ऐसे ही जितने मैच होते जाएंगे उसी के हिसाब से जो पॉइंट्स है 120 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस, ये पर मैच का जो पॉइंट है वो असाइन होता जाएगा। तो अभी तो फिलहाल मजबूती रखी है, इस मजबूती के पीछे रीज़न ये है कि भारत के खिलाड़ी बहुत दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमने अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा कि रोहित ने कैसे दोनों पारियों में सेंचुरी जमाई, मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी हमने देखी सेकेंड इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में अश्विन की शानदार बॉलिंग थी, तो कुल मिलाकर एक कलेक्टिव एफर्ट है और इस कलेक्टिव एफर्ट की बदौलत ही भारत टीम ने अपनी नंबर वन पोजीशन को और ज्यादा मजबूती दी है और बाकी दूसरी जो टीम्स हैं अभी तक उनसे बहुत बहुत आगे चल रही है भारत की टीम। नमस्कार।